हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं जहीर अब्बास अपने यूट्यूब चैनल पैरालाइज मोटिवेटर पर इन दोनों बच्चों के साथ में आपका वेलकम करता हूं। तो मैंने चश्मा इसलिए लगाया, मैंने कहा थोड़ा आपको दिखाऊं कि फ़नी वीडियो कैसे बनती है। तो आज हम मौसम दिखाएंगे, मौसम कैसा हो रहा है। और अभी दिन के बजे हैं 12। तो अब मौसम देखिए, मौसम कैसा है। और अर्श को देखिए, अर्श चश्मा लगाओ। और जोया को देखो, जोया ने भी लगा रखा। ये जोया ने करा बिल्ली की तरह, मैं आऊं। हेलो कर दो। हेलो, हाय। तो देखा दोस्तों, मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है और गर्मी भी स्टार्ट हो चुकी है। और कल रात भी गर्मी लगी थी, हमने तो फ़ैन भी चलाया था। तो गर्मी स्टार्ट हो चुकी है, गर्मियों का आगाज़ हो चुका है। तो मैं कुछ बात बताने के लिए आज आया था दोस्तों। वो बात ये थी कि मेरे एक फ्रेंड हैं, वो चाइना में रहते हैं, लगभग 8-10 साल से चाइना में रहते हैं। तो वो डेली चाइना की अपडेट, कुछ ना कुछ अपडेट मेरे को देते रहते हैं। मैं उनकी ब्लॉगिंग करते हैं वो, तो मैं उनकी वीडियोस देखता हूँ। तो वो हैं इंडियन ही हैं, NRI हैं, और वो चाइना में अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, अपनी वाइफ के और अपने बेटे के साथ में। तो डेली ब्लॉगिंग करते हैं वो, तो जब भी टाइम मिलता है उनको। तो मैं भी 5-6 दिन से रेगुलर उनकी वीडियो देख रहा हूँ। तो वहाँ पर कुछ मतलब पेंडेमिक टाइप का हो गया है, एक नया वायरस है वहाँ पर आया है। और हमारे यहाँ तो अभी उसका पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो सब चीज़ें ओपन कर दी गई हैं। तो वहाँ पे एक नया वायरस आया है, जिसका न्यूक्लिक एसिड टेस्ट 24 घंटे में रेगुलर हो रहा है। अगर आपके पास टेस्ट है, आपने टेस्ट कराया है, तो आप घर से बाहर निकल सकते हैं, अदरवाइज नहीं जा सकते। तो जैसा कि वहाँ पर सारी मार्केट वगैरह बंद कर दी गई हैं, और आपका डिलीवरी वगैरह बंद कर दी गई है, शॉप शोरूम्स बंद कर दिए गए हैं, गैदरिंग बंद कर दी गई है। तो वहाँ पे थोड़ा ये जो वायरस आया है, वहाँ पे शेंजेन में आया है और हांगकांग से आया है, जिसके लिए वहाँ पे हाई अलर्ट पे है। और आप चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि मुझे भी इतना नहीं पता होता कहाँ से क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। बाकी मैं उनकी वीडियोस देखता रहता हूँ, बहुत सारे ब्लॉगर की और मेरे फ्रेंड वगैरह की, तो मुझे पता चलता रहता है। आप कहेंगे कि हमारे यहाँ तो सब कुछ ख़त्म हो गया, हमारे यहाँ आएगा। हमारे यहाँ ऐसा कुछ बोला गया है कि जून तक हमारे यहाँ 4th लेयर जो आएगी, और अभी तो 3rd वेव आई थी, 4th वेव हमारे यहाँ। कल मैंने पढ़ा था एक कम्युनिस्ट्री की साइट पे, तो WHO की साइट पे पढ़ा था, तो जून में बताते हैं कि जून में आएगा। बट हम लोगों को पैंडेमिक होने की या हम लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बस सेफ रहिए और खाते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और पहले भी इतनी वेव्स आई थी, तब भी इतना कुछ नहीं हुआ। गवर्नमेंट्स हम लोगों को डराने का काम ज़्यादा करती हैं और फैसिलिटीज़ का काम कम करती हैं। तो अभी देखिए, चाइना में इतना खतरनाक आया हुआ है और हम लोगों को उसके बारे में अभी नहीं पता, क्योंकि न्यूज़ चैनल तो सिर्फ वही दिखा रहे हैं जो उनको दिखाना है, रियल चीज़ तो वो नहीं दिखा रहे। तो बाकी अभी जब वो यहाँ पे आ जाएगा, जब फ्लाइट्स बंद नहीं होंगी इंटरनेशनल, तब वो यहाँ पर आ जाएगा, तब हमारे यहाँ फिर सब कुछ बंद करने के चांसेस होंगे। Thank you.
देखा आपने, मैंने एक छोटी सी क्लिप दिखाई थी आपको उनकी, तो वहाँ पे सारी शॉप्स, सारे शोरूम्स, सब मार्केट बंद कर दी गई हैं, डिलीवरी वगैरह सब बंद कर दी गई है। वहाँ पे हालात इतने अच्छे नहीं हैं, अभी पता नहीं कितना टाइम लगेगा क्या होने में। और जगह जगह टेस्टिंग हो रही है, 24 घंटे की टेस्टिंग है, 24 घंटे के अंदर आपको टेस्ट कराना है। अगर आपका टेस्ट की रिपोर्ट 24 घंटे के कराने के बाद में फ़ोन पे आ जाती है, और बारकोड से स्कैन करना पड़ता है हर जगह जाने के लिए, किसी भी मार्केट में, किसी भी शॉप पे, कहीं भी आप जाएंगे तो पहले आपको बारकोड से स्कैन करना पड़ेगा। और बाकी कुछ देखे फुटेज वगैरह भी मैं दिखाता हूँ वहाँ की, क्या है, सब कुछ बंद है। और बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और शेयर करिएगा चैनल पर। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलता हूँ फिर एक और नई वीडियो के साथ में। बाय।